गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। राप्ती सूक्ष्म एक ही अंगा अल्प जीव जूनी जत्संगा, ये जत्संग अभंगा होई कहो आचार सदै कालोई। आत्म जीव है तय जो प्राणी सो का पावे मुक्त निशानी, उर्द पिंग झूल जो भेखा जिनका कदे ना सुलझे लेखा। परमात्मा कहते हैं किसविद कहो किसविद करो आचारम त्रिलोकी का तुम सिर भारम। सूक्ष्म राप्ती एक कै अंगा अल्प जीव जूनी जत संगा, के जैसे भगवान के चे छोटे बेटे नमा, जैसे किसी व्यक्ति के चे छोटे पुत्र को हत्या कर दे, बालक की चे बड़े की करते, उसको एक जैसा दुख होता है। ऐसे ही परमात्मा के हम किसी भी प्राणी को मार रहे हैं, उसको चे हाथी ने मारे चे चीटी ने, दोनों का समान पाप भगवान के दरबार में है। तो यहां कह रहे हैं परमात्मा कि बहु कहो किस विद सदैव आचारम, तुम्हारी ये क्रिया तुम्हारी पवित्रता कैसे रहेगी, त्रिलोकी का तुम सिरभारम, तुम्हारे ऊपर तो तीन लोक जितना भार धरा हुआ, इतने पाप इकट्ठे कर रहे हो। तीर्थ बाट चले जो प्राणी सो तो जन्म जन्म और झाड़ी, पर भी लेत जान जात है दुनिया हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। तीर्थ के लिए जो सफर करते हैं प्रस्थान करते हैं, वो तो जन्म जन्म ना जाने कितने जन्मों के लिए नरक में जाने की तैयारी कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा विशेषकर हरियाणा और राजस्थान में या ज्यादा परंपरा चल गई कावड़ लाने की, सावन के महीने में सबसे ज्यादा जीव मरते हैं, और उसी समय ये किसी अनाड़ी ने या परंपरा चला दी कि जो हरिद्वार तंजल लाकर या पत्थर की मूर्ति भगवान के शिव पर शिव की पर चढ़ा दे उसका बेड़ा पार, और ये नहीं मालूम शास्त्र विरुद्ध साधना इसे तो बेड़ा गर्क हो रहा है, ना जाने कितने पाप कट्ठे कर लेते हैं। और जो कुछ थोड़ी बहुत श्रद्धा पिछले जन्म की कमाई उनकी है वो रास्ते में खाना खिलाने वाले ले लेते हैं, वो लूट लेते हैं उनको, क्योंकि पुण्यात्मा ही कोई प्रयत्न कर रही है परमात्मा के पाने की। तो जो रास्ते में खाना फ्री खिलाते हैं वो कावड़ लाने वाले पुण्यात्माओं के जो पूर्व जन्म के पुण्य हैं, वर्तमान तो वो डले ढो रहे हैं, तो वो रास्ते में वो रोटी खाना खिलाने वाले ले लेते हैं, उनके पास तक वो पाइया गंगा जल पानी रह जाता है, वो भी पत्थर में गेरा में वहाँ पर जाके, उनके पास तो वो पाप पाप रह जाते हैं झोली में और पुण्य कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, तीर्थ बाट चले जो प्राणी सो तो जन्म जन्म उर्जानी, जात पर भी लेन जात है दुनिया हमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। ये पर भी लेन जाते हैं, कोई कहता कुरुक्षेत्र में पर भी लगेगी, देखो बड़ा दुनिया का कट हो जाता है, भगवान पैर पर पैर नहीं टके, पैर पर पैर टिकता इतने हो जाते इकट्ठे। तो क्या बताते हैं, गोते गोते पढ़ है मारम गंगा जमुना गए केदारम, लोहा गिर पोकर की आशा, पोकर मन पुष्कर, लोहा गिर पुष्कर की आशा अंत कोट जीव होत विनाशा, पाती तोड़ चढ़ा में अंधे है जिनके कदे ना कटे फंदे, गया गंगा काशी गया पिरागू बहुर जा द्वारका ले दागू, हर पैड़ी हर द्वार हमेशा ऐसा ज्ञान देत उपदेशा, जा गुरुआ की गर्दन मारम जो जीव भरमावे आचार उचारम आचार विचारम।
पिंड पे होआ भौतक जाही बद्री बोध सुनो चतलाई सरजो कर असनान हजुमम अंत कोट जीव घाली धूमम। पिंड प्रधान मुक्ति ना होई भूत जुनी छूटत है लोई। ओहे कहते हैं ना वहां पिंड दान करवा दो तुम्हारे पाप की पिता की माता की भाई की मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं पिंड दान करने से कोई मोक्ष नहीं है, उसकी भूत जुनी छूट जाएगी, गधा बन जाएगा। बता के मुक्ति करा दी। भूत योनी जा छूटे है पिंड प्रदान करंत, गरीबदास जिंदा कह नो नहीं मिले भगवंत। इस प्रकार परमात्मा उस प्यारी आत्मा को समझा रहे हैं धर्मदास को, और धर्मदास जी अपने उस अज्ञान के कारण रह रहकर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक ये तत्वज्ञान कभी सुना ही नहीं था। ये दास सन 2004 में राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में सत्संग करने का एक बीड़ा उठाया हमारे भक्तों ने, क्योंकि हमारा जो ये तत्वज्ञान था कुछ समय चला था आस्था चैनल पर। इन नकली संतों की जो है ना वो दुकानें बंद होने लगी, इन्होंने वो हमारी आस्था चैनल से ये प्रोग्राम बंद करवा दिया। फिर हमने सोचा कि जगह जगह जाकर के हम प्रचार करें, तो उसी आधार से हम औरंगाबाद गए हुए थे। औरंगाबाद में हमने सत्संग किया, ये परमाणु प्रोजेक्टर पर दिखाए, तो 2-3 दिन से लगातार पुण्यात्मा आ रहे थे, सत्संग सुन रहे थे। तो 5-7-10 भक्त उसमें बहन भी थे भाई भी थे, तो वो कहने लगे जी हम नाम लेना चाहते हैं। फिर हमने उनको वो नियमों की लिस्ट दिखाई, ये भी नहीं पूजना, ये भी नहीं करना, पिंडदान भी नहीं करना, श्राद्ध भी नहीं करने। न्यू बोले न्यू क्यों करे रतरा गज वो यो, अब 4-5 दिन का सत्संग था, 4 दिन हो गए तुमने सुनता ने हैं, और यही प्रमाण दिखा रहे हैं। गीता जी में मना है, इसलिए नहीं करते, नहीं करना। न्यू बोले आपने तो हम कितना जोगे नहीं छोड़े, क्यों? क्योंकि वो साधना तो जो आप हम करते थे वो तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि अब रुचि बने को नहीं, और आप नाम देते नहीं, बताइए क्या करें। मैंने कहा नाम क्यों नहीं देते, जो मर्यादा है वो पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नाम नहीं चलेगा। जो बोले हम श्राद्ध भी निकालते रहेंगे, आपका नाम भी लेते रहेंगे, और तेरा गजर भैया अलवा बनाकर उसमें बालू रेत गेरना, काहे की समझदारी, क्यों बनाओ फिर, क्यों किस लिए खोआ उस अलवे गीनर आटे ने। ये पूजाएं करनी गीता जी में मना है, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजना, और भी जो कोई क्रिया हम करते हैं शास्त्र विरुद्ध है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में लिखा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती, ना उनको मोक्ष होता, ना उनको कार्य सिद्ध होता, फिर किस लिए डले डो। ने बोले फिर देखांगे थे, वहां फिर देख लिए, फिर हमारा उड़ा जाना होया ना, क्योंकि इनने यहां भी रोड़े मचा दिए, हम अपना आश्रम में बैठ गए, आश्रम में भी ना सुहाए इनने, क्योंकि ये तो रोग काट दिया इसने, तो हमारा सबकी पोल खोल दी है, क्यों वो चेले सुने हैं वहां जाके बताओ है, हर उनसे बात करते हैं कि तुम क्या बता रहे हो, वो कहते हैं कौन कह रहा है, कौन वो अनोना मानते कि हम गलत कह रहे हैं, देखते कौन बता रहा है ये बता। तो पुणात्मा आपका सौभाग्य है कि ये तत्व ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा है, तो उस कबीर परमेश्वर की रजा है। तो ऐसे धर्मदास जी को ज्ञान समझ में भी आ रहा है, और फिर भी बीच में अड़ंगे पा रहा है, कुछ ना कुछ कहता है, तो आखिर में सारी बात भी समझ में आ जाती, जो कि महाराज जी और आपकी बात सारी सच्ची,
पर ब्रह्मा विष्णु महेश से मेरा दिल हटता कोई ना। परमात्मा बोला कुएं में पड़वाई ना हटता थे तुम पूज लेने, यूं कह करके और प्रभु अंतर ध्यान हो गए। फिर रोया बुरी तरह चक टक्कर मार मार गए, तहां रोवत धर्मनि नागर कहां गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती जैसे निर्धन की लुट जा खेती, बेग कल्प करे और मन में रोवे दशा दसों दिशा को वो मग जो है। जब परमात्मा ऐसा प्रमाण दे रहे हैं समक्ष ज्ञान सच्चा बता रहे हैं, हृदय स्वीकार भी कर रहा लेकिन फिर यो मन फिर क्रांति कर गया है उस कारण से। फिर उसने जो भगवान चले गए कि भी बिरानी कहाँ मिल लेंगे कि ना मिल लेंगे, फिर लगा बुरी तरह रोने, उस अपने उस पूजा को त्याग कर घर की तरफ चल पड़ा और रो रहा है कि हे भगवान कहीं ऊपर तो नहीं चले गए, कहीं इधर तो नहीं चले गए, कहीं मेरे पीछे तो नहीं छुप गए। कल्प करे और मन में रोवे दसो दिशा को वो मगजो है। परमात्मा कल्प करे और मन में रोवे दसों दिशा को तिस मग वह मग जो है, हम जाने तुम देह स्वरूपा हमारी बुद्धि अंध ग्रह कूपा। ये भगवान हमने तो आपको मनुष्य जैसा मान रखा था, मैंने तो आपको अपने जैसा मनुष्य मान रखा था और हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ है अंधा कुआ है, इस या कद्दे भी नहीं समझ सकती। भगवान आपने इतने प्रमाण दिए, हम तो मान स्वरूप तम जाना सुन सतगुरु का किया पियाना। हमने तो आपको मनुष्य जाना था भगवान, अब मुझे नो बता दो आप कहाँ चले गए। अब बेग मिलो कर हूं अपघाता मैं ना जी हूं सुनो विधाता। कहते या तो मुझे मिल जाओ ना आत्महत्या करूंगा, अब मैं जीवित नहीं रह सकता हे भगवान हे विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया मैं जीवों नहीं अवगत राया। आपने मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान सुना दिया अब मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी मैं नहीं जानी लीला थारी, तुम अवगत अविनाशी साही फिर मोकू कहां मिलो गुसाई। कि तुम तो सचमुच परमात्मा थे अब मुझे फिर कहां मिलोगे मुझे ये बता दो। बोलो सतगुरुदेव की जय। शेष कथा आपको कल सुनाएंगे क्योंकि ये अमृतवाणी है, इस कथा के आधार से हमें पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान को जानना है और धर्मदास और परमात्मा कबीर साहब का जो संवाद है ये पूर्ण निर्णय कर देता है, तत्व ज्ञान का पूरा निष्कर्ष निकल जाता है। सत साहे कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीशे, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिद्ध दा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोय, चरणों ऊपर शीश रखूं कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं,
हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न सुमो। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्षक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, झांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी अपने तत्वज्ञान को समझाने के लिए सतलोक के विषय में ज्ञान देने के लिए स्वयं इस पृथ्वी पर आते हैं, काल के लोक में आते हैं। उसी के विषय में ये सत्संग चल रहा है। कल के सत्संग में पुण्यात्माओं ने सुना कि भक्त धर्मदास जी अपने उस शास्त्र विरुद्ध ज्ञान के ऊपर बहुत आरूढ़ थे। उसी लोक वेद को, उसी दंत कथा को सत्य मान करके चिपके हुए थे। परमात्मा कहते हैं कि गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। ऐसे उल्टे रास्ते पर इनको लगा रखा है, ऐसे गलत ज्ञान से परिपूर्ण कर रखा है। अब ये समझाए से भी नहीं मानते। परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझा रहे हैं और वो अमृतवाणी बोल रहे हैं। उसी अमृतवाणी को धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया। उसी परमेश्वर की महिमा को आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने आंखों देखा और परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए उस दिव्य ज्ञान को अपनी अमृतवाणी के अंदर लिपिबद्ध करवाया, जो आज हम उसको पढ़कर परमात्मा के यथार्थ मार्ग को पहचान सके। और वही तत्वज्ञान सभी सदग्रंथों से मेल खाता है। सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी,
और अन्य महाभारत आदि सदग्रंथ, उन सभी से आज परमात्मा की वो वाणी मेल खाती है जो साधारण भाषा में बोली गई। ज्ञान वही है, उसी ज्ञान को व्यास जी ने संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया और वही ज्ञान तथा उससे आगे का भी ज्ञान अर्थात सबसम वेद इंक्लूडिंग इन चारों वेद आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया जो कबीर वाणी कहलाती है। और परमेश्वर की अर्थात कबीर वाणी में कुछ समय अनुसार स्वार्थी लोगों ने अपनी दुकानें चलाने के लिए कुछ मिक्सिंग कर दी, फिर भी वो सच्चाई को छुपा नहीं सके क्योंकि वो स्वयं अज्ञानी थे और परमात्मा की लीला बहुत ही प्रबल है, वो सत्य को फिर भी नहीं छुपा सके। कबीर सागर में कबीर वाणियों में जो कुछ मिलावट की उसी को पुनः निखारने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी छुड़ानी वाले को अपना तत्व ज्ञान प्रदान करके अपना ज्ञान प्रचार करवाया। उन दोनों सदग्रंथों से मेल मिला करके और परमात्मा कबीर जी द्वारा वर्तमान में दिए यथार्थ ज्ञान को सबको मिला करके ये तत्व ज्ञान स्पष्ट हुआ। परमात्मा उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझा रहे हैं, गरीबदास जी अपनी अमृतवाणी में वर्णन कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जब वर्ता सुर वेद चुराए हम ही बरहा रूप धर आए। अभी तक इस तत्व ज्ञान को न समझकर हम अन्य भगवानों को महिमा देते रहे। परमात्मा क्या बताते हैं, हम हिरण्याकुश उदर बिहंडा नरसिंह रूप गाजनो खंडा। जब प्रहलाद अग्नि में डारे हिरण्याकुश के उदर विदारे। जब प्रहलाद बांधिया खंबा हम नरसिंह रूप धरा परचंडा। हम सुरपति का राज डिगाए हम ही बलि के द्वारे आए। हम ही तेरे लोकी मापी ताश डरे बलि तन मन कापी। विष्णु को तो दीन बढ़ाही विष्णु को तो दीन बढ़ाई हम पूरण करतार। गरीबदास जिंदा कहे ये सकल सृष्टि हमार। वेद कते बना जा को पावे 18 पुराण कथा नित गावे। जिन सिरजे पुरुष और नारी जाको खोज रहे त्रिपुरारी। शब्द स्वरूपी सब गट बोले पर गट देख नहीं वो ओले। सनक सनंदन ब्रह्मा था के अंत कोट शंकर पद बाखे। निर्ण किने ना की न्या भाई ये करोड़ विष्णु गए दुनी रचाई। नारद सारद महिमा गावे हमरे रूप को सो नहीं पावे। अल्प रूप है हमरा अंगा जहां अंत कोट त्रिवेणी गंगा। स्वर्ग नरक नहीं मृत्यु है नहीं लोक बंधान। गरीबदास जिंदा कहे शब्द सत परना प्रमाण। शब्द रहे गावाई दुनी सृष्टि सब पर लो जाई।
चलसी कच्छ मच्छ कूरंबा, चलसी धोल धरणी अटकंबा, चलसी सुर्ग पताल समूलम, चलसी चंद्र सुर दो फूलम। जो आरंभ चले धर्मदासा, पिंड प्राण चलसी घट स्वासा, चले भिष्ट बैकुंठ विशालम, चलसी धर्मराय जमसालम। पानी पवन पृथ्वी नासा, शब्द रहेगा सुन धर्मदासा, इंद्र कुबेर वरुण धर्म राजा, ब्रह्मा विष्णु ईश चल राजा। चले माने नाश हो जाएगा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुबेर और यहाँ का जो धर्मराज अलग से बना रखा है जो न्यायाधीश, ये भी चलेगा, ये भी नष्ट होगा। जो चले आद माया ब्रह्म ज्ञानी, हम ना चले जो पद परवानी। ये आदि माया भी मृत्यु में आवेगी, लेकिन परमात्मा कहते हम कभी मृत्यु में नहीं आते। अक्षर रूप रहे ना कोई, जिन ये एति लीला समोई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अक्षर ये परब्रह्म है, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये शाखा हैं। लेकिन मूल जो है, जड़ है, वो परम अक्षर ब्रह्म, नी अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि ये अक्षर रूप अर्थात परब्रह्म तक भी नाश में आएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अगम अनाहद अधर्म, नर आकार निज नरेश, ग्रीब दास जिंदा कहे, सुनो धर्म उपदेश। धर्म दास बोलत है बानी, कौन रूप पद कहा निशानी। तुम जो अकत कहानी भाखी, तुमरे आगे तुम ही साक्षी। धर्मदास जी कहते हैं प्रभु, जो आपने ये कहानी, ये कथा बताई है, ये ज्ञान सुनाया है, आपके अतिरिक्त इसका दूसरा कोई गवाह नहीं है कि जो ज्ञान आप दे रहे हो, तुम्हारी कथा के तुम ही साक्षी हो, तुम ही बता रहे हो, दूसरा आज तक कोई संत मुझे बताने वाला नहीं मिला। और मैंने अपने जीवन काल में परमात्मा प्राप्ति के लिए संतों की खूब खोज की। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा। एक लुधियाना के पास वासियर गांव है, उस वासियर गांव से एक भक्त राम राय उर्फ झूमकरा गरीबदास साहेब जी के पास आए थे। उन्होंने भी ये ज्ञान जब सुना तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज तक तो ये ज्ञान किसी ने हमें नहीं बताया। संत गरीबदास जी ने कहा कि इस ज्ञान से परिचित कोई भी संत नहीं है, करोड़ संतों में तुझे संत नहीं मिलेगा इस मार्ग को बताने वाला, अरबों में कोई गर्क मिलेगा। गर्क माने परिपूर्ण, जिसके पास ज्ञान भी पूरा हो, समाधान भी पूरा हो, उसको अधिकार भी हो नाम देने का, उसी से मोक्ष संभव है। इसी का प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव इति स महात्मा सो दुर्लभ। बहुत जन्म जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, ब्रह्म की साधना करता है, अन्यथा सभी देवी देवताओं को मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजाओं में सीमित रहते हैं।
और फिर कहता है गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भगवान काल भगवान के वासुदेव इति, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीताजी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के समूह में चले जाएंगे, उनके नौकर लगेंगे, उनको प्राप्त होंगे और ब्रह्म साधक अर्थात मेरे उपासक मुझे प्राप्त होंगे, वो भी काल के जाल में ही रह जाएंगे। तो यहां बताते हैं कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ते, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वह वासुदेव अर्थात सर्व व्यापक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही सर्व है, सर्व का सृष्टि रचनहार है, सबका मालिक है, वो पूर्ण मोक्षदायक है, पाप विनाशक है, कर्म बंधन से को छुड़ाने वाला है, पाप कर्मों का नाशक है, वो परमात्मा कोई और है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में तीनों परमात्माओं के विषय में जानकारी है। क्षर पुरुष ब्रह्म, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात अविपूर्ण अविनाशी परमात्मा। तो वो कोई इनसे और ही है, अन्य ही है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक त्रयम् अविषय विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा तो कोई और ही है, वही वास्तव परमात्मा कहलाता है, वो अविनाशी भगवान है, अविनाशी प्रभु है, वास्तव में अविनाशी वो है। तो गीताजी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 19 में भी यही कहा है कि उस ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वो परमात्मा ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव ही सर्वस्वा है, सबका मोक्षदायक है, अविनाशी है, पूजा के योग्य है, यज्ञों में प्रतिष्ठित है, उसी के निमित्त हमने उसी की पूजा करनी चाहिए, ये बताने वाला संत तो बहुत ही दुर्लभ है। तो यहां क्या कहता है धर्मदास जी, धर्मदास बोलत है बाणी, कौन रूप पद कहां निशानी, तुम जो अकत कहानी भाखी, तुमरे आगे तुम ही साक्षी। जो तुमने ये आज तक ना सुनी, हमने ऐसी कथा कहानी सुनाई है, ये तो आप ही इसके गवाह हैं, आप ही साक्षी हैं। ये अचरज की लीला स्वामी, मैं नहीं जानत हूं निज दामी, कौन रूप पद का परवानम, दया करो मुझे दीजे दानम। हम तो तीर्थ व्रत कराही, अगम धाम की कछु सुध नाही, गर्भ योनि में रहे भुलाई, पर पद परदीत नहीं मोह आई। हम तुम दो एकम एका, सुनो जिंदा कहो मोह कहो विवेका, तुम जो बटक बीज कह दीना, तुमरा ज्ञान हमो नहीं चीन्या। आपने जो ये विस्तृत ज्ञान बताया है, मेरा पल्ला नहीं पड़ी ये बातें, मेरी समझ से बाहर हैं, क्योंकि मैंने आज तक ये कथा कहानी ये ज्ञान आपका आपके द्वारा बताया कभी किसी से नहीं सुना। हम को चीन न पर ही जिंदा, कैसे मिटे प्राण दुख दुंदा। कि मेरे समझ में नहीं बात आ रही कि कैसे इस जीव का यू संकट कटेगा, प्राणी का दुख दुंद ये कैसे मिटेगा। जिसके पास भी मैं गया हूं सब यही कहते हैं, भाई जन्म मृत्यु तो समाप्त हो नहीं सकता और किए हुए कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। साथ में वो प्रमाण भी देते हैं संतजन के, जैसे भगवान विष्णु स्वयं आए थे श्री राम रूप में, श्री रामचंद्र रूप में उन्होंने सुग्रीव के भाई बाली को धोखे से मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर,
तो उसका भी कर्म दंड उन्होंने भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में वही विष्णु जी आए और एक बालिया नाम के पारदी ने, शिकारी ने, भगवान श्री कृष्ण के पैर में तलवे में विषाक्त तीर मार कर उनकी हत्या की। अपना वो बदला टिट फॉर टैट वो देना पड़ा। इसलिए कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। आज तक हमें यही बताने वाले मिले हैं, तो कैसे हमारे जीव का उद्धार होगा ये मुझे बताओ। अपुण्यात्मा जो तत्व ज्ञान है, ये तो ऐसा है कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, ये तत्व ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चला मैदान। तारा मंडल बैठे कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूर्य का श्यो तारों छिप जावे। अब जैसे अभी तक वेद और गीता का ज्ञान और अन्य देवताओं का ज्ञान के बारे में ज्ञान ऐसा था जैसे रात्रि में चंद्रमा और सितारे होते हैं, तारे होते हैं, और जब सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और तारों का प्रकाश अदृश्य हो जाता है। ऐसे ही जो ज्ञान हमें प्राप्त था वो तो ऐसा था जैसे चंद्र रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश काम चलाऊ, और परमेश्वर का जो तत्व ज्ञान है ये ऐसे है जैसे सूर्य उदय हो रहा हो गया हो। अब ये तत्व ज्ञान जो है, अब सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय होता है जब रोशनी कम होती है, लेकिन इन चांद सितारों से तो फिर भी बहुत अधिक होती है। तो अब स्टार्ट है इसका, और अब देखना ये शिखर में सूर्य आएगा जब पूरा विश्व हैरान रह जाएगा। हम को चीनन पर है जिंदा, कैसे मिटे प्राण दुख दुंदा। इस प्राणी के दुख कैसे कटेंगे। ऐसे कल्प करो गुरु राया, जैसे अंधेरे लोचन पाया। धर्मदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, आपके इस तत्व ज्ञान को सुनने की मुझे इतनी रुचि, इतनी तड़प होगी है जैसे अंधा आंखों की डिमांड करता है। हम तो ज्ञानहीन थे, ज्ञान नेत्रहीन ब्लाइंड थे, अंधे थे। अब हम चाहते हैं कि आपके तत्व ज्ञान रूपी आंखें हमें प्राप्त हों, जैसे अंधा नेत्रों की चाह करता है, ऐसे आज मुझे उस तेरे तत्व ज्ञान की चाह है। ऐसी कल्प करो गुरु राया, जैसे अंधेरे लोचन पाया। लोचन माने आंखें। जो भूखे को भोजन भासे, क्षुदा मिट कल्प तेरा से है, जैसे जल पीवत तिस जाई, प्राण सुखी हो तृप्ति पाई। जैसे निर्धन को धन पावे, ऐसे सतगुरु कल्प मिटावे। कैसे पिंड प्राण निस्तर ही, ये गुण ख्याल परख नहीं पर ही। अब कितनी तरफ होगी उस प्यारी आत्मा को, और जो अपना ज्ञान था वो अफीका नजर लगने लगा, आने लगा, बिल्कुल व्यर्थ दिखाई देता है। और उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति की ऐसी तड़फ बनी कि जैसे अंधा आंखें मांगता है, भूखे को जैसे भोजन की तड़फ होती है, प्यासे को जल की चाह होती है, उसकी इच्छा होती है, और निर्धन को जैसे धन मिले, ऐसे मुझ निर्धन को, ज्ञानहीन अर्थात भक्ति के निर्धन को, आपके तत्व ज्ञान रूपी धन प्राप्ति हो, मुझ भूखे को आपके तत्व ज्ञान रूपी रोटी खाना मिले, मुझ इस तत्व ज्ञान के प्यासे को आपकी अमृतवाणी रूपी जल मुझे प्राप्त हो, ये तड़प मुझे बहुत हो गई है। कैसे पेंड प्राण निस्तर ही, ये गुण ख्याल परख नहीं पर ही। मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है कि कैसे हमारे जीव का उद्धार हो सकता है। आपने बता दिया, परमात्मा ने बताया, कोट जन्म तो ये भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लगे रे,
कुकर सुकर खर बया बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वन द्रुम राया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मृत्या हो गए जीवित क्यों न मर रे, द्वादश मध्य मैल मठ बोरे बहोर न दे धर रे। दो जग भजत सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। चार मुक्ति झा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर सव मिले राम अविनाशी ही। परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को कहा कि आप विष्णु जी के उपासक हैं, और कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी ओहो, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को निर्णय दिया कि जैसे आप विष्णु लोक में जाना चाहते हो, वहां जाकर भी फिर आपका पुनर्जन्म होगा इस पृथ्वी पर, और आपके पाप के आधार पर हो सकता है पशु बनो, पक्षी बनो, या विषैले कोई सर्प बनो, ये सभी योनियां तुमको भोगनी पड़ती है। आप तो केवल विष्णु लोक अर्थात दूसरे स्वर्ग आदि की चाह रखते हो, ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश कुबेर और ये सब ये भी नाश में आते हैं, इनकी भी मृत्यु होती है। फिर क्या बताते हैं कि दोज्जक नरक बहिष्ट स्वर्ग ये सभी तूने असंख्य बार बहुत बार देख लिए। दोजक भष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और तीन लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। फिर परमात्मा बताते हैं कोई सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। उस सतलोक में ले चलता हूं जो आदि अमर कभी का यानी सदा से जो अमर है, कभी नष्ट नहीं होता, और वहां पर कितना सुख है कि चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे गीता जी को आप पढ़ते हो, गीता जी में स्पष्ट लिखा है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में और अध्याय 2 के श्लोक नंबर 12 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और ये ना सोच के ये सभी सेना सैनिक तू और मैं पहले नहीं थे या केवल वर्तमान में ही हैं या आगे नहीं होंगे, अर्थात तेरा और मेरा आगे भी जन्म मृत्यु होगा, पहले भी हम थे वर्तमान में भी हैं। गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहता है कि मेरे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब जैसे इस काल की मृत्यु और जन्म कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा वर्णन अब देना पड़ेगा। ये बताएंगे पहले गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहा है कि मेरे जन्म को ये देवता ऋषि और ऋषिजन नहीं जानते, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान दाता का भी जन्म होता है, लेकिन ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि जी नहीं जानते, क्योंकि ये इसी से उत्पन्न हुए हैं, दुर्गा और काल से ही इनकी उत्पत्ति हुई है।
जैसे पिता के जन्म को बालक नहीं जान सकते, दादाजी बता सकते हैं। उस दादाजी ने, उस परम पिता ने खुद आकर के, जो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म का भी पिता है, उसने आकर के हमें बताया है। उसी के आधार से अब आपको तत्व ज्ञान से ये गीता जी स्पष्ट हो जाएगी। इसका जन्म कैसे होता है, इसकी मृत्यु कैसे होती है, अलौकिक क्यों कहा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में कहा है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय मुझ अव्यक्त को, मैं गुप्त रहता हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, जो मेरा काल रूप ये है, और ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं व्यक्ति रूप में कभी आता नहीं हूँ। क्योंकि वो काल कृष्ण के अंदर बोल रहा था और अपना स्वरूप उसको इसलिए दिखाना पड़ा कि अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहा था, वो डराना था उसने। अर्जुन कांप कर डर कर भयभीत होकर के स्वीकार कर लेता है कि मैं युद्ध कर लूंगा। उसको पता था कि यदि ये रूप फिर दिखा देगा मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, और ये भगवान खूब चाहता है कि युद्ध हो तो स्वीकृति लास्ट में देनी पड़ी, लेकिन कुछ प्रश्न उत्तरी करता रहा। तो वो कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कृष्ण की तरह ऐसे किसी तरह व्यक्ति रूप में नहीं होता, ना किसी माँ से जन्म लेता, मेरा जन्म मृत्यु तो होता लेकिन अलौकिक है। वो कैसे होता है, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है पुण्यात्मा, वो आपको रह रह कर रट्टा लगवाना पड़ेगा। हमने उस अज्ञान को हजारों लाखों बार सुन रखा है, एक से नहीं, दो से नहीं, दस से नहीं, हजार से, हजारों व्यक्तियों से सुन रखा है, और उसी को एक ही प्रकार का वो ज्ञान सुना हुआ है, वो हमारा फाइनल हो चुका है। अब इस ज्ञान को हम बार बार आपको सुनाएंगे, प्रमाण दिखाएंगे, तो आपके हृदय में ये समा जाएगा और वो पुराना ज्ञान समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसका बार बार रिपीटेशन, आवृत्ति करना अति आवश्यक है। जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु कब होती है, 100 वर्ष की आयु है, इनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े हैं, 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 43,20,000 वर्ष बनते हैं एक चतुर्युग में। और 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन इतनी ही रात्रि, 30 दिन और रात्रि का एक महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 51वां चल रहा है, वो 51 भी पूरे, शेष 49 भी पूरे होंगे और ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद 1 विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद 1 शिव की मृत्यु, ऐसे 70,000 बार ये इनकी जन्म मृत्यु एक हो लेगी, किसकी, शिव की। तो उसमें 49,000 बार तो विष्णु मर चुका होगा, और 49 को 7 से गुणा कर लो, 3,63,000 बार जो है ये ब्रह्मा मर चुका होगा। तब एक ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड नष्ट होगा और ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल मरेगा, ये इसकी मृत्यु होगी। फिर ये दूसरे लोक में, दूसरे ब्रह्मांड में चले ले जाएगा सारी सृष्टि प्राणियों को, और वहाँ कर्म परमात्मा की, जो कर्म परमेश्वर ने इसके विषय में लिखा बनाया है सिस्टम, उसके आधार से ये फिर पुनर्जन्म होगा इसका भी और दुर्गा का भी। पुनर्शरीर धारण करेंगे अपनी इच्छा से, जैसे शब्द शक्ति से। एक सिद्धि होती है जो तन से, एक सिद्धि तनहंस नहीं आ रहा,
एक सिद्धि होती है जो शरीर को त्याग देता है प्राणी और दूसरा शरीर शब्द से धारण कर लेता है। ये सिद्धि शरीर त्याग देने की तो अन्यों में भी आ जाती है, लेकिन स्वयं दूसरा शरीर धारण करने की सिद्धि बहुत कम होती है। तो वो उनमें से एक इस ब्रह्मा को, इस काल को और दुर्गा को प्राप्त है। तो दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के ये यहाँ शरीर छोड़ मर जाता है, तो ये दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है सारे इसको जीव प्राणियों को, वहाँ फिर नए सिरे से अपनी दुर्गा से ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करते हैं, फिर वहाँ सृष्टि क्रम को जारी कर देते हैं, प्रारंभ करते हैं। अब ये जो एक ब्रह्मांड का नाश होगा और 70,000 बार जब तक ये शिव मर लेगा, एक काल की मृत्यु होगी, ब्रह्म की मृत्यु होगी, क्षर पुरुष का की मृत्यु होगी। वो एक युग होगा किसका? परब्रह्म का। अब विचार करना पुण्यात्माओं, और परब्रह्म का 1,000 युग का दिन, 1,000 ऐसे युग की रात, जब परब्रह्म का एक दिन समाप्त होगा तो काल के 21 ब्रह्मांडों का नाश होगा, या कोई प्राणी नहीं रहेगा, ब्रह्मा ये काल और दुर्गा भी मर जाएंगी, और फिर इनको उस परब्रह्म के लोक में अचेत डाल दिया जाएगा सभी प्राणियों को। और फिर जब परब्रह्म का एक परब्रह्म की एक रात दिन रात्रि समाप्त होगी, पुनः फिर इनको 21 ब्रह्मांडों में भेज दिया जाएगा। ये काल और दुर्गा फिर से अपनी एक ब्रह्मांड में सृष्टि प्रारंभ करेंगे। ऐसे इस ब्रह्म की के जन्म और मृत्यु होते हैं, इसलिए वो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में कहा है कि मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक हैं। अब परब्रह्म की मृत्यु के बारे में बताते हैं कि एक 70,000 त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं, एक ब्रह्म की मृत्यु होती है, एक ब्रह्मांड का विनाश होता है। ये एक युग है परब्रह्म का, ऐसे ही 1,000 युग का दिन, 1,000 युग नोट चतुर्युग, ये ध्यान रखना है तत्व ज्ञान को समझने के लिए। 1,000 युग का दिन, 1,000 युग की ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु, और फिर भी मरेगा। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी, क्यों? क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, वो तेरे उनकी वाणी तेरे कानों को नहीं छुई। सतगुरु लगे न कान न भेंटे संत रे। सतगुरु परमात्मा कबीर जी जब आए थे उस समय भी आप उनके संपर्क में नहीं आ पाए, या फिर उनका कोई तत्वदर्शी संत उनके द्वारा भेजा हुआ, वो भी तेरे उसकी भी वाणी आप नहीं सुन सके, इसलिए इतनी लंबी आयु भी होगी तो भी जन्म मृत्यु में ही रहोगे। अब धर्मदास जी ये ज्ञान सुन रहे हैं और गद गद भी हो रहे हैं, लेकिन अंदर से वो पुराना ज्ञान फिर मरोड़ी देता है, लगाता है, पेट में दर्द करता है। धर्मदास जी कहता है, हे प्रभु आपकी बात याद आ गई समझ में, परंतु हे परमात्मा, क्या ये ब्रह्मा, ये क्या विष्णु जी में कोई शक्ति नहीं है? हे भगवान, भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण रूप में आए थे, उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र तामरध्वज को आरे से बीचों बीच कटवा कर उसकी मृत्यु हो गई थी और पुनर्जीवित कर दिया था। भगवान कैसे ना मानूं ऐसे भगवान को, मैं कैसे ना पूछूं।
परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, मैं ये नहीं कह रहा कि राम और कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तुम इनको सर्वशक्तिमान, अजरो अमर, सर्वश्रेष्ठ रचनहार, कुल के मालिक, इनकी कोई जन्म नहीं होता, इनके माँ बाप नहीं। मैं इसके विषय में कह रहा हूं कि ये तुम्हारी गलत थ्योरी है, गलत ज्ञान है। ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, विष्णु जी सतोगुण विभाग के और शंकर जी तमोगुण विभाग के, और इनका पिता एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करता है। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो और भिन्न है, तो पूर्ण परमात्मा ही प्रधानमंत्री का रोल करता है, पूर्ण परमात्मा ही समराष्ट्रपति पद को प्राप्त करता है। तो उसकी वो समरस शक्ति है, प्रधानमंत्री के सामने एक राज्य के मुख्यमंत्री की स्थिति बहुत ही निम्न होती है, और फिर एक विभागीय मंत्री तो और भी बहुत निम्न स्तर का आ जाता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई शक्ति नहीं रखते। तुम उस विभागीय मंत्री को प्रधानमंत्री कह रहे हो, ये तुम्हारा विधान ज्ञान गलत है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। अब उनकी शक्ति में भिन्नता बताते हैं। परमात्मा ने कहा, धर्मदास, जैसे भगवान कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र तामरध्वज को आरे से चिरवा के मृत्यु के उपरांत जीवित कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये तो और भी संत बहुत हैं जिन्होंने मुर्दे तक भी जीवित किए हैं। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो सुभद्रा पुत्र था, अर्जुन का बेटा था, क्यों नहीं कर सके? क्योंकि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, इतना ही प्रारब्ध मनुष्य जीवन का था। और तामरध्वज को जो चिरवा करके मृत्यु को प्राप्त करा के जीवित कर दिया, वो तामरध्वज की आयु शेष थी। ये परमात्मा आयु वृद्धि नहीं कर सकते, एक श्वास भी नहीं घटा बढ़ा सकते। मासा घटे न चल बढ़े, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।